नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लिए बड़ी खबर है। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, वह राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। संजय अरोड़ा ने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी बटालियन की कमान संभाली थी। आईपीएस संजय अरोड़ा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जयपुर राजस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक एसपी रहे हैं, जहां उन्होंने वीरप्पन ग्रोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। चंदन तस्करों का जो ग्रोह था उस पर भी उन्होंने कई बार कार्रवाई की है। वीरता और वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। 1991 में अरोड़ा ने एनएसजी से ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले विशेष सुरक्षा समूह एसएसजी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल उन दिनों लिट्टे की गतिविधियां चरम पर थी, ऐसे में उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। संजय अरोड़ा उन चुनिंदा आईपीएस में से हैं जो अर्धसैनिक बल में डेपुटेशन पर कमांडेंट के पद पर आए थे। संजय अरोड़ा ने 1997-2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में सेवाएं दी थी। वहीं राकेश अस्थाना का आज एक साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा फेयरवेल परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस लाइन में शाम 4 बजे फेयरवेल कार्यक्रम होगा। दरअसल जब भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर रिटायर होते हैं उन्हें बकायदा फेयरवेल परेड दी जाती है। जागो समाज चैनल की ओर से भी संजय अरोड़ा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अस्थाना साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। संजय अरोड़ा जी का दिल्ली में हार्दिक स्वागत है और जागो समाज चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।